निम्बल न्यूज द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है निम्बल न्यूज में। मैं शिवम शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक बड़ी खबर को लेकर के। दोस्तों, दिन प्रतिदिन भारत के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच भारत की राजधानी दिल्ली क्षेत्र के वासियों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि पिछले 24 घंटे में मंगलवार को दिल्ली के अंदर 12,481 केस सामने आए हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले ही दिल्ली क्षेत्र के अंदर 30-35 हजार केस भी आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन अचानक दिल्ली के अंदर संक्रमणों की संख्या घटती नजर आ रही है और मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में मात्र 12,481 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटों में 347 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 13,583 लोग ठीक भी हुए। दोस्तों, दिल्ली के अंदर टीकाकरण जारी है और इस टीकाकरण के दौरान मंगलवार के दिन 1,40,963 लोगों को टीकाकरण किया गया और अब तक दिल्ली के अंदर 40,18,363 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर लगातार केसेस कम होते जा रहे हैं और ये केवल तभी संभव हुआ है क्योंकि दिल्ली सरकार और दिल्ली के रहवासियों ने पूरी तरीके से साथ दिया है। संकट के समय में दिल्ली में अभी भी लॉकडाउन जारी है, सभी चीज़ें बंद हैं, मार्केट बंद है, मॉल्स बंद हैं, सिनेमाघर बंद हैं, प्राइवेट दफ्तर बंद हैं, सड़कें खाली हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्लीवासी पूरी तरीके से इस संकट के समय में दिल्ली का साथ दे रहे हैं ताकि दिल्ली के अंदर केस और भी कम होते जाएं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के अंदर अब संक्रमित की संख्या 17.76 हो गई है। पिछले 25 दिनों के अंदर ये सबसे कम फीसदी है। पिछले 25 दिनों के अंदर लगातार 20% केस प्रतिदिन निकल रहे थे, लेकिन मंगलवार को ये 17.76 हो गया है और एक दिन दिल्ली के अंदर 0.00 की फीसदी के अंदर केस निकलना शुरू हो जाएंगे। मतलब दिल्ली बिल्कुल तरीके से ठीक हो सकती है, बस हमें एहतियात बरतने होंगे और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में खुद करनी होगी। जिस तरीके से अभी हम साथ दे रहे हैं, इस तरीके से हमें आगे भी साथ देते रहना चाहिए और आशा करते हैं आप सभी इस लॉकडाउन के चलते, इस कोविड के चलते आप सभी सरकार का और अपने परिवार का साथ देंगे। तो दोस्तों, अपना रखिए ख्याल और अपने परिवार का रखिए ख्याल, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। अभी हमें दीजिए इजाज़त, निम्बल न्यूज़ के साथ बने रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए। धन्यवाद।